के नाते कुछ कुछ होता है। तुम्हें तो कुछ कुछ होता है स्नेहा, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ होगा जब अक्षरा को इस बारे में पता चलेगा। जी हाँ, इन बातों को बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। नैतिक की होशियारी आखिरकार उन्हीं पर भारी पड़ गई। वो इसलिए क्योंकि स्नेहा को आखिरकार पता चल गया है कि नैतिक जानबूझकर अक्षरा को जलाने के लिए उनके करीब आ रहे थे। ऑफकोर्स नैतिक के लिए आज बहुत बड़ा झटका था क्योंकि स्नेहा जी ने उन्हें परख कर काफी जवाब दे दिया है। ये ऑफकोर्स अब देखिए, दिल तो स्नेहा का जरूर टूटा है, जाने में ऐसा कुछ हो गया होगा शायद, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि नैतिक उनसे प्यार करता है। नहीं नहीं नैतिक, ये अनजाने में नहीं, बल्कि अब तो ये सभी को पता है कि आपने ये जानबूझकर किया है। खैर, लगता है कि डायरेक्टर साहब को भी पता चल गया था कि नैतिक पर मुसीबतों की बारिश होने वाली है, इसलिए फिर इन बारिश उन्होंने पहले से ही छाता खोल लिया और बैठ गए उसके नीचे। हाँ, लेकिन नैतिक बाबू को अगर कोई मुश्किलों से बचा सकता है तो वो है गणपति बाप्पा, जो उनके सेट पर विराजमान थे। विसर्जन पर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि परिवार को ज्वाइन किया रागिनी ने अपने रियल लाइफ अनमोल यानी कि यशदीप के साथ, और इन सभी ने हिस्सा लिया गणपति विसर्जन में। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। नैतिक जाते जाते हम तो यही दुआ करेंगे कि गणपति बाप्पा आपको सद्बुद्धि दे, और ये जो बार बार आपके और अक्षरा के बीच में गलत फहमियों का विघ्न आता है ना, ये बहुत ही जल्दी दूर करे। तो सब मिलकर बोलो गणपति बाप्पा मोरया। राजदीक्षित, स्टार न्यूज, मुंबई। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भी हमारे साथ ये गाना गा लीजिए, क्योंकि आपके एक पसंदीदा अदाकारा सनाया का आज बर्थडे है, जिन्हें आप सब गुंजन के नाम से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जान लीजिए कि आपकी गुंजन यानी कि सनाया ने किस तरह से सास बहू और साजिश के साथ अपना बर्थडे मनाया। 1760 उम्र हो गई है सनाया की, 1760 कैंडल चला। तो इस ब्लॉग पे क्यों लगा रहा है, उनके बीच लगा ना मुझे। तू बहुत स्लो है यार, तब तक मेरा केक मेल्ट हो जाएगा। मैं 16 साल की हूँ, 16 से ज्यादा कैंडल्स सिर्फ तीन चांसेस मिलेंगे सनाया को बुझाने के लिए, एक आदमी को ब्लॉक करने के लिए। मेरे केक पे आग लग जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। वन मोर दो तीन। अरे हार गई सनाया, अपने बर्थडे में कैंडल जला पाएंगे? चाहती हूँ कि मेरा घर आ जाए बिना किसी टेंशन, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी ज्यादा लोन के। वैसे मेरा घर का फंड है, मैंने खोला एक कुछ तो पैसे डोनेट तक नहीं क्रीम हटा।
16 बरस की लड़की हूँ समथिंग समथिंग। 16 बरस की तो 17 बरस का आगे हमें नहीं आता, हम सीख के आपको दोबारा गा के दिखाएंगे। अगले साल जब हम शादी करेंगे हम लवर दो दो लवर्स हैं हम जो उड़ रहे हैं, उड़ते दो। सबको कैसे बता सकते हैं कि मोहित कब से लाइन मारने की कोशिश कर रहा है? अच्छा नहीं लगता ना, लोग सोचेंगे सम्राट लाइन मारा है अभिधानी। ये भी बीच बीच में चोरा चोरा के नजर से देखती है मुझे। हाँ तो अगले साल तक कुछ सेटिंग हो जाएगा, टेंशन मत लो, अगले साल बता देंगे। तो लाइक टू थैंक साविश, क्योंकि हर साल मेरे बर्थडे पे वो लोग इवन दो मैं बोलती हूँ चॉकलेट केक लेकर आओ, फिर भी हमेशा ब्लैक फॉरेस्ट केक लेकर आते हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी स्वीट, आप लोग हर साल लेकर आते हो, मैं जहाँ भी होती हूँ आप लोग आ जाते हो। इस बार मुझे ट्रिक करके यहाँ बना दिया। सास बहू और साजिश में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए क्योंकि पूरे एक घंटे तक हम और आप एक दूसरे का साथ निभाएंगे, है ना? जन्म तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक न जाए उस रास्ते को छोड़ दूं, हर ख्वाब मेरा उम्मीद मेरी मैं तुझसे जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, जुड़ गई तुझसे ये मेरी जिंदगी, मैंने तो पाई तुझ में मेरी हर खुशी, कह गई मुझसे खुद ये बातें तेरी, अक्सर करालों में हूँ तेरे मैं कहीं, देखू मैं तुझे लम्हा लम्हा हर पल अपने सीने में रखूं, हर सुबह तुझसे मिलने की रात में मैं जगूं, एक तू ही तो है होठों की हंसी चेहरे का नूर तू। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं आप सब, कहीं मत जाइए, रहिए सिर्फ हमारे साथ, सास बहू और साजिश में अभी बहुत कुछ है बाकी आपके लिए। अपने किचन की मास्टर शेफ होती है, ठीक उसी तरह छोटे पर्दे की हर बहू भी अपने परिवार की मास्टर शेफ है, और ये किसने कहा है कि बड़े पर्दे की बहू अपने परिवार की मास्टर शेफ नहीं? कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है बड़े पर्दे की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की, जो छोटे पर्दे की हर बहू को कॉम्पिटिशन दे सकती है, क्योंकि वो भी तो अपने किचन की मास्टर शेफ है, वो भी अपने किचन में लजीज खाना पकाकर परिवार को परोसती है, जिसकी शुरुआत उन्होंने शादी के दिन से ही कर दी थी। वो एक बहुत ही मीठा सा रिवाज है ना कि शादी के बाद दुल्हन कुछ मीठा परोसती है। ऐश्वर्या ने भी अपने किचन में शीरा उर्फ हलवा बनाया था, जिसकी मीठी सी यादें वो हमसे शेयर कर रही है। Actually, Dola, the recipe, I think halwa shira is something that we all are very, very familiar with growing up. It's a very simple recipe. It's very quick to make. And jaise hi, I think hamare, it must be with all Indian communities, when you have your Grah Pravesh, the girl makes something immediately and the whole family is there and all the ladies of the house will be watching and then you give it to them to taste. So I chose to make this because it was quick. सुना आपने, हमने कुछ गलत तो कहा नहीं था, बड़े पर्दे की ये बहू भी छोटे पर्दे की हर बहू को कंपटीशन दे सकती है। जहां अक्षरा और सुहाना ने बनाई थी खीर, तो वहीं लाली और तपस्या ने भी ऐश्वर्या वाला फॉर्मूला ही अपनाया था, झटपट और मजेदार सा हलवा। ये रिवाज है कि
बहू कुछ मीठा बनाती है तो ये भी है कि बहू को ढेर सारा नेक भी मिलता है। हमें यकीन है ऐश्वर्या कि आपको आपके हलवे का नेक भी बहुत अच्छा मिला होगा, क्योंकि आप अपने घर की मास्टर शेफ जो है, या फिर ये कहें कि आपका अपने बावर्ची खाने पर कब्जा जो है। बावर्ची खाने पर कब्जा? हर विवाहित स्त्री का अधिकार है। जोयिता मित्रा के साथ निशिमा जेटली, स्टार न्यूज, मुंबई। ये तो आपने सास बहू और साजिश के जरिए जान ही लिया होगा कि छोटी बहू नाम का सीरियल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन इस सीरियल के आखिरी एपिसोड में क्या होगा, ये जानना चाहते हैं आप? तो देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटी बहू के सेट से आखिरी दिन का वो सीन जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।